ओके दिस इज दिस इज अ गुड क्वेश्चन ठीक है लेट्स सी कि ये कौन बच्चा करता है uh, इस तरीके के क्वेश्चन यू विल गेट इन आर आई एम सी ऑल्सो ठीक है तो ये तो एक सीडीएस बेस्ड क्वेश्चन है सीएपीएफ में भी आ सकता है एफ कैट में भी आ सकता है दिस इज अ गुड क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे आप ओके okay. सो so, इसको जूम करना है चलो ठीक है दिस इज द डायग्राम इज गिवन टू यू ठीक है दिस इज द डायग्राम एंड व्हाट इज रिटन हियर दैट पी क्यू आर एस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ये जो सर्कल है इसका पी क्यू आर एस इज अ डायमीटर ठीक है ये जो लाइन है दिस कंप्लीट लाइन इज अ डायमीटर ठीक है दिस कंप्लीट लाइन इज अ डायमीटर जिसको उसने पी क्यू आर एस दिया है ठीक है ओके देन उसके बाद क्या क्या है आपसे द लेंथ पी क्यू क्यू आर आर एस आर इक्वल याद रखना है सारी लेंथ इक्वल है दिस पी क्यू ओके दिस पी क्यू क्यू आर आर एस ये सारी लेंथ बराबर है ठीक है इक्वल है उसके बाद दिया है सेमी डायमीटर तो एक सेमी सर्किल बनाया है ठीक है इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं वो इस सेमी इस सर्किल की बात कर रहा है जो मैं येलो से हाईलाइट करूंगा ठीक है इस सेमी सर्किल की बात कर रहा है ठीक है सेमी सर्किल इज ड्रॉन ठीक है जिसमें क्यूएस क्या है डायमीटर है ओके ठीक है उसके बाद आपसे कह रहा है वट इज द रेशियो ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ अनशेडेड रीजन ठीक है तो आप क्या निकालो शेडेड रीजन का एरिया निकालो और अनशेडेड रीजन का एरिया निकालो और उसको वट यू हैव टू डू उसका रेशियो आपको निकालना है डायमीटर आपको नाइन सेंटीमीटर दिया है ठीक है अगर डायमीटर नाइन सेंटीमीटर दिया है डायमीटर का मतलब है पी एस ये पूरी डिस्टेंस इसका मतलब पी क्यू क्यू आर आर एस अगर बराबर बराबर है ठीक है अगर इफ दे आर सेम देन पी क्यू विल बी थ्री सेंटीमीटर ये भी थ्री सेंटीमीटर हो जाएगा ये भी थ्री सेंटीमीटर हो जाएगा ये भी थ्री सेंटीमीटर हो जाएगा ओके द सर्किल इज नाइन दिन पी क्यू क्यू आर आर एस विल बी सेम ठीक है द सर्किल ऑफ रेडियस नाइन सेंटीमीटर ठीक है रेडियस इज नाइन सो इट विल नॉट बी थ्री 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 रेडियस इज नाइन रेडियस नाइन तो डायमीटर कितना हो जाएगा डायमीटर विल बी एटीन अगर वो एटीन एटीन हो जाएगा तो दिस विल बी सिक्स

Unshaded portion अगर हम उसका एरिया निकालें फर्स्ट ऑफ ऑल अनशेडेड को मैं कंप्लीटली येलो कर लेता हूं ठीक है ये जो येल्लो वाला पोर्शन का येल्लो तो पोर्शन कैसे आ जाएगा वेरी इजी ठीक है मैं ऐसे लिखता हूं अनशेडेड पोर्शन अनशेडेड अनशेडेड पोर्शन में पहले तो ये जो सेमी सर्किल है बड़ा वाला

इसका एरिया कितना जाएगा इसमें जो छोटे वाले में जो डायमीटर uh, है दैट विल बी ट्वेल्व सो रेडियस विल बी सिक्स ठीक है सो हाफ पाई सिक्स ओके? तो इफ यू टेक हाफ पाई कॉमन कितना जाएगा? नाइन स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन ठीक है अगर मैं इसी तरीके से शेडेड निकालू शेडेड पोर्शन सो शेडेड इज वेरी इजी टू फाइंड आप ये ऊपर वाला सेमी सर्कल देखिए टोटल सेमी सर्किल से अगर आप ये छोटा वाला पोर्शन निकाल देंगे ये छोटा वाला जो सेमी सर्किल है ठीक है ओके इसको अच्छे से समझना है अगर आपने क्या करना है अगर आप अगर आप ये जो मैं ला हाईलाइट कर रहा हूँ दिस होल अगर आप इस पूरे में से इस पूरे सेमी सर्कल में से अगर आप सिर्फ ये जो छोटा वाला पार्ट है छोटा तो वाला सेमी सर्कल निकाल दोगे तो विल गेट योर आंसर ठीक है तो पोर्शन आ जाएगा जो सेमी सर्किल है दैट इज पाई नाइन स्क्वायर माइनस छोटा वाला है हाफ पाई सिक्स स्क्वायर तो इफ टेक हाफ पाई कॉमन ब्रैकेट में कितना रेशियो okay? निकालना है शेडेड अपॉन अनशेडेड ओके सो वट विज इज द रेशियो आपको निकालना है शेडेड अपॉन अनशेडेड ठीक है सो शेडेड अपॉन अनशेडेड Will be nothing बट शेडेड कितना है अभी हमने निकाला हाफ पाई नाइन स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर विल बी नाइन नाइन एट्टी वन एट्टी वन माइनस थर्टी सिक्स अपॉन हाफ पाई जाएगा नाइन स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर ना सो एट्टी वन प्लस हाफ पाई से हाफ पाई कैंसिल ओके हाफ पाई से हाफ पाई कैंसिल व्हाट विल बी द आंसर ऊपर तो आ गया फोर्टी फाइव और नीचे ऐड करोगे कितना आएगा हंड्रेड एंड इसको आप नाइन से कैंसिल कर सकते हो नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव एंड नाइन वन ज़ा नाइन एंड नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन सो द आंसर इज़ फाइव इज टू थर्टीन ओके